नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत बिसेन और सेहत की बात अजीत के साथ में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको लेकर आया हूँ ब्रॉड बीच के एक छोटे से बीच पे। इस वीडियो के एंड में फिर से मैं आपको वीडियोस और पिक्चर्स इस बीच के की डालूंगा मैं। आज दोस्तों अगेन मैं आपको एक बहुत पावरफुल चीज़ बताने आया हूँ जो आपकी सेहत को बदल देगी। तो दुनिया को अभी रियलाइज़ होना शुरू हुआ है जो हमारे शास्त्रों में हमारे पूर्वज हज़ारों सालों से करते आए हैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अभी ये साइंस करे रिसर्च अपना करता रहे। जो हमारे वेदों पुराणों में लिखा है इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि उसका क्या लॉजिक था। एनीवेज मैं ये बता रहा हूँ दोस्तों कि एक चीज़ एक मॉलिक्यूल है, नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं उसको। तो नाइट्रोजन और ऑक्साइड का ही फॉर्म है लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल का नाम है। और ये हमारे बॉडी में जब आती है ये चीज़ तो हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उसको ये खोलती है, मतलब रिलैक्स हो जाती है। आर्टरीज़ आपके जो कैपिलरीज हैं बॉडी का हर एक पार्ट जहाँ से आपका खून ट्रांसफ़र हो रहा है वो डायलेट होके खुल जाती है वो चीज़। और जब खुल जाएगी तो उसमें से और ज़्यादा आपके उस आर्टरी में ज़्यादा ब्लड फ्लो कर सकता है। और ज़्यादा फ्लो ब्लड करने का मतलब है कि आपकी बॉडी का हर एक पार्ट और ऑक्सीजन उसको मिल रहा है। और ये चीज़ इतनी आसान है और ये चीज़ हमारे को योगा ने सिखाया हुआ, योग ने, लेकिन हमने उसको उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता कैसे दोस्तों? नाइट्रिक ऑक्साइड सिंपल मिलता है कि अगर आप नाक से सांस लेते हैं, हमारे नाक के क्षेत्रों में ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं कि सिर्फ वहाँ से अगर हम सांस लेते हैं तो ये ऑक्सीजन का कुछ पार्ट नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल देता है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड का इतना ज़्यादा बेनिफिट है कि 1998 में लू इग्नारो नाम के एक साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ मिला था नाइट्रिक ऑक्साइड पर काम करने के लिए। और उन्होंने ये रिसर्च करके बताया था कि नाइट्रिक ऑक्साइड जब आपके शरीर में ज़्यादा होता है तो ए, आपका ब्लड प्रेशर कम आता है, बी, आपके हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत कम हो जाती हैं, सी, आपके स्ट्रोक होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। और शायद आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो फाइजर ने वैक्सीन बनाई थी वायग्रा, उसका भी यही फंडा है। और ये इसके लिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ने से मेल्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी ख़त्म होता है और उसी के बेस पर ये फाइज़र का ये जो वायग्रा मेडिसिन बना था। और वुमेन में भी लिबिडो बढ़ता है, तो इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। ओनली थिंग इज़ कि आपको सांस लेनी है नाक से। और कुछ साइंटिस्ट तो इवन यहाँ तक जा रहे हैं कि वो रात को सोने के टाइम में अपने मुंह पे टेप लगा लेते हैं सो डेट कि पूरी रात वो सिर्फ नाक से सांस ले सकें। और जी नहीं, वो कोई नहीं मरता है, लेकिन मैं आपको इसके बारे में मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि क्या होता है। सो इसके बारे में सोचिए, नाइट्रिक ऑक्साइड लेने का अपने बॉडी में बढ़ाने का सिंपल तरीका है, आपने नाक से लेना है, प्राणायाम करिए, कॉन्शियस रहिए हर टाइम पे, आपको कॉन्शियस रहना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और नाक से सांस आप लेते रहेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ता रहेगा। और एक चीज़ और बता दूँ कि भामरी जो कान नाक और आँख को बंद करके आप लेते हैं, इससे नाइट्रिक ऑक्साइड हज़ार गुना तक ज़्यादा बढ़ सकता है आपके बॉडी में। तो ये भामरी हमारे शास्त्रों ने हमारे योगा में ऐसे नहीं बताया गया है, हर एक का साइंटिफिक अब इन लोगों को रीज़न मिलेगा। और दोस्तों मेरा काम है इसके माध्यम से कि आपके अंदर मैं वो एक जिज्ञासा जगा सकूं कि आप अपने आप अपने सेहत अपने हाथ में ले सकें। मेरा काम सिर्फ इतना है, बाकी एक्ट करना आपका काम है और सेहत का कंट्रोल लेना आपके हाथ में है। सो नमस्कार दोस्तों, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। जय हिंद।